أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے. آئیے بچوں, سب سے پہلے ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں, اور آپ میرے ساتھ دہرائیے گا اس دعا کو. الحمدللہ الذی اطعمنا فسقانا وجعلنا من المسلمین. बच्चों, आज मैं आपको सुनाती हूँ दो दोस्तों की कहानी, का और गा की. का और गा सैर को जा रहे थे. का ने कहा, मुझे तो कश्ती की सैर बहुत पसंद है. और गा ने जल्दी से अपने दोस्तों को आवाज ले गई, कौन कौन से मेरे दोस्त हैं जो जल्दी से आ जाए और वो कश्ती में बैठ जाए ताकि हम कश्ती की सैर को जा सकें. जी, मजे मजे के कबाब भी आकर बैठ गए, कली और कपड़े भी झट से आके कश्ती में बैठ गए ताकि कश्ती की सैर को जा सके. कव्वा और कबूतर दोनों आसमान की सैर कर रहे थे. जी बच्चों, अब बताइए का के जो सारे दोस्त हैं इनकी सौती आवाज कौन सी है? जी, इन सारे दोस्तों की सौती आवाज है का का. आइए बच्चों, अब मैं आपको का की कहानी सुनाती हूँ. का का बहुत ही खूबसूरत घर था. गाने अपने खूबसूरत से घर में बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल लगाए हुए थे, और बराबर ही में बहुत सा खूबसूरत सा गमला रखा हुआ था. गा के घर के बाहर एक गधा दौड़ लगा रहा था, और गा को बहुत भूख लग रही थी, और गा का कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था. गुड्डू बहुत मजे मजे की मीठी मीठी गा के लिए गुलाब जामुन लेकर आ गया, और गा ने गुलाब जामुनों को बहुत मजे लेकर खाया. जी बच्चों, गा के दोस्तों की सौती आवाज क्या है? जी, गा के दोस्तों की सौती आवाज है गा गा. आइए बच्चों, हर्फ का और गा पर हाथ फेरते हैं. दाएं से बाएं कश्ती बनाए, ऊपर एक डंडा लगाए. का, दाएं से बाएं कश्ती बनाए, ऊपर दो डंडे लगाए. गा. उम्मीद है बच्चों आपको का और गा की कहानी पसंद आई होगी. जजाकल्ला.